ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 11:30 ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 12:30 ਦੀਦੀ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ग्लव्स लेने इंसाफी होगी बड़ी वड्डी आ देखो दीदी ने टिकट ली ओदा किराया नहीं लगा देखो जीरो रुपए ते मेरे 50 रुपए लग गए गाइस ना पूछने वाला होवे मैं भी पंजाब दा ही हां मेरे खिलाफ आवाज उठाओ जा रहे हैं घर की और ठंड काफी ज्यादा है तो चलो चलते हैं फटाफट ते गाइस हुण बज चुके ने 4:30 ते ट्यूशन का टाइम हो चुका है ते हुणे दे हुणे घरे पहुंचे हैं ते हुणे ट्यूशन का टाइम हो चुका है 4:30 हो चुके ने ते जल्दी ट्यूशन चलते हैं फिर बाकी दा व्लॉग तुहानू आगे दिखावांगे जो भी थोड़ा बहुत होगा तुहानू दिखा देंगे तो चलो फिर हुण ट्यूशन चलते हैं ते गाइस हुण रात दे 8 बज चुके ने ते इत्थे मम्मी डिनर तैयार कर रहे ने मम्मी अज असीं घरे नहीं सी तुसीं याद कीता सानूं मिस कीता हां जी बहुत मिस कीता जी हुण की बना रहे हो सी दाल दाल कर रही है ते तड़का लग रहा है तुसीं स्क्रीन ते वेख दे ना कैमरे च वेख रहे दाल बन रही है तो तड़का लग रहा है
ਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ। पापा तो दीदी इतने बह गए नाटक देख लिया ने रोनता वाला तो शुरू मैं ही किया देखना तो मैनू देखते देखते भी देखने लग गए तो मैं हूँ छड़ता रोनता वाला नाटक तो हूँ इस ब्लॉग में इतने एंड करते हैं। होपफुली ब्लॉग पसंद आना पसंद आया तो लाइक कर दो चैनल सबसक्राइब कर दो मिलते हैं अगले ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।